हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार लवकुज व्लॉग में। और दोस्तों, आज जो कि मैं आया हूँ कानपुर टू प्रयागराज, जो रेलवे लाइन बिछ रही है उसका मैं अपडेट देने के लिए आया हूँ चकेरी स्टेशन से, जो कि मैं दूंगा अपडेट। और इस साइड दोस्तों ये मालगाड़ी खड़ी हुई है, तो अब हम लोग जाएंगे इस ब्रिज से, ऊपर से निकलेंगे, तो चलते हैं फिर। तो हम लोग तो अभी ब्रिज से ही जाएंगे क्योंकि ट्रेन ये मालगाड़ी खड़ी हुई है इसी वजह से, तो चलते हैं फिर, आपको उस पार से मिलते हैं ब्रिज को पार करके, क्योंकि लंबा ब्रिज है, वहाँ तक जाना पड़ेगा ऊपर से। और दोस्तों, मैं आप लोग को मतलब दो वीडियो पहले मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो जो भी मतलब हमारे सब्सक्राइबर हैं उनने तो देखा ही होगा, जो भी मेरे चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे, और मैं आगे अपडेट भी देखने के लिए तो मेरे चैनल पर जुड़े रहें। तो उस साइड पहुंच के मिलते हैं आपसे। दोस्तों, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में आ चुका हूँ मतलब ब्रिज पार करके, और जहाँ पे ट्रेन खड़ी थी जिस प्लेटफॉर्म पे, तो अब मैं दिखाता हूँ मतलब पहले से अब काफ़ी काम हुआ है इस पर रेलवे लाइन पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे पहले मतलब गिट्टी नहीं पड़ी हुई थी, अब काफ़ी गिट्टी देख सकते हैं, और काफ़ी मिट्टी मतलब काफ़ी ऊंचा अब कर दिया इस पर, और पहले ये कुछ भी नहीं था। और अब आगे चल के दिखाते हैं, उस पर आगे काम हो रहा है, तो आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है आगे ट्रैक भी बिछाया जा रहा है, मतलब लाइन वहाँ पर बिछाई जा रही है, तो अब आगे चल के आपको दिखाते हैं क्या काम हो रहा है, तो वहीं पे दिखाते हैं चल के। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बराबर कर रहे हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं मतलब प्लेटफॉर्म की मिट्टी जो भी है बराबर कर रहे हैं जेसीबी से, ये आप देख सकते हैं। अब तो काफ़ी तेज़ी से इस पर काम चल रहा है, और आगे चल के आपको दिखाते हैं, जैसा कि यहाँ पर सब बराबर कर दिया है और कर ही रहे हैं अभी तो, और आगे लग रहा है ये क्रेन से ये जो भी है ये आगे भेज रहे हैं इस पे डाल के, ये जो रेलवे लाइन के नीचे बिछाया जाता है। तो अब आगे चल के आपको दिखाते हैं, इधर तो पहले कुछ भी नहीं था, अब तो सब बराबर कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो अब तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है रेलवे ट्रैक पे, और यहीं से पूरा माल उठता है। मैंने आपको दिखाया ही था अंदर जाके, जिन्होंने नहीं देखा था वो मेरे चैनल पे जाके देख ले जाके, मैं दो वीडियो पहले ही दे चुका हूँ आप लोग के लिए। और ये जो नीचे रेलवे लाइन के नीचे बिछाते हैं वो दोस्तों ये ट्रैक्टर में डाल के आगे भेज रहे हैं, जहाँ इनको ज़रूरत पड़ रही है वहीं लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये इस पे ट्रैक्टर ट्रॉली पे ला देंगे क्रेन से, क्योंकि कोई उठा तो पाएगा नहीं, इतना भारी होता है ये। यहाँ पे पिछली बार आपने देखा होगा यहाँ पे मिट्टी डाल रहे थे और बराबर कर रहे थे मशीन से, इस बार तो गिट्टी पड़ चुकी है जो कि आगे तक ही पड़ी थी, अब तो यहाँ भी गिट्टी पड़ चुकी है, और ये लाद रहे हैं। थोड़ा आपको पास से दिखाते हैं, बहुत भारी होते हैं। अरे देख रहा हूँ कैसे हिल रहा है, ट्रॉली ना पूरी पलट जाए, बड़ी मुश्किल का काम होता है, देखो इतनी मेहनत लगती है इस पर क्रेन के बावजूद भी, बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाए। तब दोस्तों चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं आगे, मुझे लग रहा है वहीं पे लास्ट पे आपको दिखाएंगे बिल्कुल,
क्योंकि इधर बीच में कुछ है नहीं, बस गिट्टी पड़ी है। जो भी जिन्होंने मतलब जो वीडियो मेरे देखते रहते हैं उनको पता ही होगा, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ तक। पहले यहाँ बराबर था, बगल में भी सब बराबर कर दिया गया है। यहाँ पे मशीन चल रही थी पिछली बार, जिन्होंने मतलब देखा होगा वीडियो उनको पता ही होगा। चलते हैं आगे। दोस्तों मुझे लग रहा है 4 लाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मुझे लगता है मालगाड़ी या कोई ट्रेन मतलब पलटी अल्टी हुई थी, न्यूज़ में आप लोग ने देखा ही होगा। मुझे लगता है इसीलिए इसको 4 लाइन किए दे रहे हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब ट्रेन लेट एट ना हो। अभी बीच में लेट चलने लगी थी कानपुर टू प्रयागराज और भी आगे तक जहाँ तक मतलब लेट चलने लगी थी, तो इसीलिए मुझे लगता है 4 लाइन इसीलिए करवा रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। दोस्तों पहले गिट्टी कम पड़ी हुई थी, अब गिट्टी ज़्यादा डाल दिया और डाल दिया इस पर गिट्टी, अब मतलब उसके लेवल के बराबर आ गई है गिट्टी। इसके ऊपर और पड़ेगी अभी मोटी वाली जो गिट्टी होती है, जैसे कि वहाँ पे पड़ी है आपको दिख रहा होगा ये वाली गिट्टी, बड़ी वाली पड़ेगी। आपको पास से दिखाते हैं दोस्तों, ये वाली गिट्टी डालेंगे इसके ऊपर, मतलब ऐसे ही बिछाएंगे। और रेलवे जो पटरी है ये आप देख सकते हैं, और ये भी अभी मतलब जो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वो क्रेन से डाल रहे थे, मतलब ट्रॉली में लाद रहे थे, फिर उसके बाद जहाँ ज़रूरत है वहीं ले जा रहे थे। और आपको आगे चल के दिखाते हैं उधर, ये अपना रहा भारतीय रेल का इंजन। आपको दिखाते हैं पास से थोड़ा। दोस्तों ये है WHE7, जो कि बहुत पुराना इंजन है, जैसा कि आपको पता ही होगा, आप लोग ने भी देखा होगा, ये मालगाड़ी ढोने का काम करता है, काफ़ी पुराना इंजन है। और अब आपको आगे दिखाते हैं चल के इस पर कैसा क्या काम हो रहा है। यार मुझे लग रहा है बहुत दूर अभी चल के दिखाना पड़ेगा। ओह मैं स्टेशन से दोस्तों मैं पैदल आ रहा हूँ मतलब चलते चलते, और मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ। और दोस्तों ये पिलर है, ये जो कि खंबा है देखो लगा रहा है इलेक्ट्रिक वायर के लिए, आपको भी दिख रहा होगा ये वाला। और ऐसा ही आगे भी सब है लगा दिया है। और अब आपको सीधा आगे चल के दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं JCB से गिट्टी बराबर कर रहे हैं, मतलब बिछा रहे हैं पूरा JCB से, और काफ़ी तेज़ी से अब तो काम चल रहा है। और इधर से नहीं चलेंगे क्योंकि JCB से बराबर कर रहे हैं, और आगे ट्रैक भी बिछा रहे हैं, तो इधर से बगल से चलते हैं। दोस्तों मैं आगे से आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ऐसे बराबर कर रहे हैं। और अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये जो कि पत्थर डाल के फिर इस पर ट्रैक का काम चल रहा है, इस पर रेलवे लाइन बिछा रहा पूरे। अब देख सकते हैं कैसे बिछाते हैं इसको। और आगे तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है इस पर 4 लाइन पे। आप भी देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है इस पर, और यहाँ तक मतलब बिच गया है ट्रैक। और आगे से बिछाते हुए चले आ रहे हैं कानपुर सेंटर से, अब प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं। और इधर भी हमें लग रहा है कुछ काम चल रहा है क्योंकि उस पर भी पुरानी लाइन भी बिछी हुई थी। अभी मैं आपको उधर का भी दिखाता हूँ उस पर क्या काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये अभी इस पर केवल मुझे लग रहा है अभी
लाइन इस पर बिछा ही दे रहे हैं पटरी इस पर। आगे भी बहुत काम हो रहा है वहाँ तक, मुझे लग रहा है चल के थोड़ा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक अभी इस पर कुंडे जो फंसते हैं वो यहाँ पे नहीं फंसे हुए हैं, केवल ये डाल दे रहे हैं और बाकी तो वहाँ पे दिखाते थोड़ा आगे चल के। काफ़ी दूर मैं आ गया हूँ दोस्तों, काफ़ी दूर निकल आया हूँ पैदल पैदल चलते चलते, तो आगे चलते हैं। और आप देख सकते हैं जो भी मतलब वर्कर्स हैं, देख सकते हैं कैसे रहते हैं, मतलब ऐसे पल्ली अल्ली डाल के सब गरीब बेचारे। ग्रुप डी वाले होते हैं शायद जो भी रेलवे में काम करते हैं, बट ये मुझे नहीं लगता है, ये तो ऐसे ही है, वर्कर्स हैं मतलब मजदूर हैं। ग्रुप डी वालों के पास मतलब ड्रेस व्रेस होती है शायद। हाँ तो दोस्तों ट्रेन आ रही है, मैं शॉर्ट वीडियो शूट दोस्तों यहाँ से अभी एक्सप्रेस निकल के गई है, और दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ इंडियन रेलवे वाले, तो जो भी मतलब है मेरे रेलवे फैंस वाले सब्सक्राइबर, मैं उनके लिए शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ। और दोस्तों आगे तो इस पर बस यही, अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंडे उंडे भी फंसे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इस पर, और आगे मतलब लाइन बिछी रही है जैसा। दोस्तों आगे भी ऐसा ही काम चल रहा है, और दोस्तों अब चलते उस साइड का थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने बताया था इस पे जो कि काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं पटरी पार करके आ गया हूँ, मतलब पटरी का पार करने में मुझे थोड़ा सा डर ही लगता है, क्योंकि पता नहीं कब अचानक से ट्रेन आ जाती है, और वो भी मतलब स्टेशन के पास होता है तो हॉर्न बजता है, वैसे यहाँ पे बीच में कहाँ हॉर्न, बहुत कम ही मारते हैं। और ये दोस्तों ये पुरानी लाइन है, ये जो कि गांवखेड़ा से अंदर एयरपोर्ट में शायद जाती थी पहले, बताते हैं मतलब कि ये लाइन एयरपोर्ट में ही जाती थी। और ये दोस्तों जो कि है ट्रैक, ये कानपुर से प्रयागराज के लिए जाता है, और आगे देखते हैं उस पर कुछ कर रहे हैं पटरी पे, कि पटरी ये हटा रहे हैं, आपको आगे चल के दिखाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये वाला ट्रैक था, इस पर सारे रिपेयर कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल पता नहीं किस लिए किया जाएगा, और ये जो पीछे भैया बैठे थे उन्हें नहीं पता, मतलब उनको पता नहीं था, वो तो वर्कर हैं तो उनको पता नहीं था, अब देखते हैं यदि पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे मतलब क्या होगा इस ट्रैक का। ये पुराना वाला जो ट्रैक है इसको हटाएंगे या इस पर कुछ काम हम होगा। दोस्तों ये पुराने वाले ट्रैक का पता नहीं क्या इस्तेमाल होगा, इस पर भी काम चल रहा है लेकिन जो वर्कर्स हैं उनको नहीं पता है, पता नहीं किस लिए होगा। ये लिखा तो है ब्लॉक सेक्शन लिमिट, ये बंद वाला है, इस पर पता नहीं क्या काम होगा। ये मुझे लग रहा है ये दोनों इधर भी है, तीन लाइनें बिछी हुई है, ये पुरानी वाली है जो बंद है, ये मतलब कानपुर एयरपोर्ट में जाती थी, जो कि पुराना हवाई अड्डा था जो कि गवर्नमेंट वाला, अब तो मतलब वो हो गया है सिविल एयरपोर्ट बन गया है, अब तो मतलब उसकी भी ओपनिंग होने वाली है। और जो भी मतलब सिविल एयरपोर्ट के वीडियो नहीं देखते मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, तो यदि आगे अपडेट चाहिए रेलवे ट्रैक वाला तो दोस्तों कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग के साथ, बाय दोस्तों।